और केवल छात्रों के यहां नहीं जा रहा था मैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने भी अपने यहां भोजन रखा था। बताओ, हम तो साधु संतों से भी नहीं मिल सकते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे साधु संत योगी हैं जो दूसरे साधु संत योगियों से नहीं मिलने देना चाहते हैं? कोई मिले तो उन्हीं से मिले और फिर उनसे सीखें क्या? ठोको नीति, रोको नीति। अधिकारी को यही नहीं पता था किसको रोक रहा है, बस वो रोकना चाहता है। इतना मेंटल प्रेशर उस पर भरा होगा कि वो भूल गया कि किसको रोकना चाहता है। मैंने उससे कहा कि कागज दिखाओ, किस लिए रोकना चाहते हो? वो बहुत छोटा अधिकारी है। और जहां तक इस तरह के व्यवहार की बात है, इतना पक्का सरकार कर रही है, दिल और दिमाग को कितना पक्का कर रही है सरकार। चलो, हमारे साथ तो इतना ही व्यवहार हुआ। जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कम से कम योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, साधु सन्यासी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको। अब तो केवल वोट का आंदोलन होना है बूथों पर। ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे जाने से हिंसा हो जाएगी, ये जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से इनके अधिकारी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा इन्हीं ने करना सिखाया है सबको, और हिंसा करी हुई की धाराएं देख लो। मेरी धाराएं लगाई हुई नहीं है, ये एक भी मेरी धारा लगाई हुई नहीं है। ये जो धाराएं लगी हैं, ये आप देख लीजिए धाराएं क्या लगी हैं इनके ऊपर। आखिरकार हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती समझिए कि हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि रात में कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर की, रात में LIU के अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर के पास आसपास, और सुबह ही 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास, सुबह 6:30 बजे। मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये। और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप। वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था, उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे इलाहाबाद में। एक छोटा सा अधिकारी आकर के कहता है कि आप नहीं जा सकते। याद रखें, अगर ये व्यवहार ये कर रहे हैं तो अपने साथ भी तैयार रहें कि ऐसा ही व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। और अभी बहुत लंबा समय है।